मेरा नाम सौम्या शर्मा है और इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरी 9th रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और एस्पिरेंट्स होने के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो एग्जामिनेशन के हर स्टेज में आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए। मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। एंड आई वाज वेरी लकी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो गया और मुझे अच्छी रैंक मिली है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी है उसमें मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेहनत, दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेडिकेशन। एक डेडिकेशन और एक फोकस, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपको एक लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और आपके लिए आपका गोल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके सामने होना चाहिए आपका गोल। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी जो मोटिवेशन थी जिससे मैं इतनी डेडिकेटेड रह पाई वो यह थी कि मैं अगर अभी अपनी सारे दिन रात पढ़ाई करूं तो शायद कल को मुझे अपने देश को सेवा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और मुझे आज वक्त खुशी है कि मुझे वो मिली है चीज़। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बिना लगन और बिना मेहनत और बिना फोकस के ये नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने में विश्वास रखिए। एक आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत लंबा एग्जामिनेशन है। ये जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 स्टेजेस है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है। इस टाइम में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डाउट करें और बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे बात करके शायद आपको लगे कि आपका क्या पता सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन ये आपका आपके लिए है कि आपको पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड करके रखना है। आप उन लोगों से बात करिए जो आप में विश्वास रखते हैं और खुद अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक ऑनेस्टी के साथ और अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपका भी एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा इसमें। तो मैं कहना चाहती हूँ एक अपना आत्मविश्वास ज़रूर बनाए रखें इस एग्जामिनेशन में, बिकॉज मोर देन द हार्ड वर्क दैट यू पुटिंग इन, आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स। एंड तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका डेली रूटीन एंड शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, ये आप किसी और का शेड्यूल अपने लिए कॉपी नहीं कर सकते। आपका शेड्यूल आपका अपना शेड्यूल होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानिए और उसी के हिसाब से एक शेड्यूल बनाएं। जैसे मैं मानती हूँ कि मैं एक जगह पर बैठ के पढ़ सकती हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मेरा शेड्यूल रिवॉल्व मेरी स्टडीज़ के अराउंड करता था। बाकी मैं जो भी कर रही थी वो सेकेंडरी था और मेरा शेड्यूल और मेरी पढ़ाई सबसे पहली थी। तो ये पहली बात। अब कोचिंग क्लासेस की जहाँ तक बात होती है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप खुद घर पर बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाते तो आप ज़रूर कोचिंग लीजिए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे लिए मैं खुद बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ लंबे घंटों तक। तो आपका शेड्यूल जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं बस आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी शेड्यूल बनाएं वो ऐसा बनाएं कि आप उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। कुछ ऐसा शेड्यूल आप बनाएं जो आप मुश्किल से 3-4 दिन फॉलो करके आपको लगे नहीं हो पाएगा। तो जैसे लंबे घंटे भी जब पढ़ने की बात होती है, ये ज़रूर है कि मैंने 16-17 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन उसके लिए एक कारण था। उसका कारण था कि मैंने प्रीलिम एग्जाम से 4 महीने पहले पढ़ाई करनी शुरू करी थी, फॉर्मल प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। आई वॉज वेरी शॉर्ट ऑन टाइम और मुझे वो करना पड़ा। आई वॉज कंस्ट्रेंट टू डू इट, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लंबे लंबे घंटे पढ़ना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको ये बता दूँ कि आप इतने पहले से इतनी ज़्यादा घंटे ना लगाएं पढ़ाई के, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन के आप पास आएंगे तब तक आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आपको ग्रेजुअली आप 8 घंटे से शुरू करें, मिनिमम 8 आवर्स तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये था डेली शेड्यूल का। एंड ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी हैबिट्स हैं दे शुड हेल्प योर स्ट्रैटेजी। आपकी हैबिट्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई सफ़र करे। फॉर इंस्टेंस, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपना फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब मैंने डिलीट कर दिया था, बिकॉज दिस वर वेरी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडिंग।
तो ये जो भी हैबिट्स बनाए, जैसे अगर कोई टीवी सीरीज है वो बहुत बारी होता है हम देखना शुरू करते हैं फिर हम बंद नहीं कर पाते उनको देखना, तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा छोड़ दें। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप अपने गोल को माइंड में रखेंगे तो फिर ज़रूर आपके लिए एक ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को छोड़ना, बिकॉज फिर आपके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डेडिकेशन एंड फोकस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी।